अस्सलाम वालेकुम। हाय दोस्तों, मैं रियलवे मोहसिन एक बार फिर आपके सामने। जिस तरीके से मुसलसिल हैदराबाद में क्राइम रेट बढ़ रहा है और क्राइम ऑफिशियल साइट्स जितने भी है वो आज काम नहीं कर रहे हैं और पुलिस जो है सिर्फ खामोशी अख्तियार कर रही है, जहां पर 24 घंटे के अंदर 5 मर्डर और कई दो एटम को मर्डर करने की कोशिश की गई है, जिसके अंदर कई लोगों ने अपनी जाने और मालों का नुकसान उठाया है। चलिए सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ। एक नई गवर्नमेंट जो तेलंगाना चीफ मिनिस्टर मिस्टर रेवंत रेड्डी ने फॉर्म की, वो कांग्रेस के नाम से। वो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर तो है, पर वो सबसे पहले जो है बीजेपी को जो है कॉन्फिडेंशियल मैसेजेस देते हैं कि आने वाले इलेक्शन में, इलेक्शन से पहले, लोकसभा इलेक्शन से पहले रेवंत रेड्डी जी का एक कमिटमेंट, एक स्टेटमेंट है, उसके अंदर उन्होंने कहा था कि 8 सीट बीजेपी की होंगी, 8 सीट कांग्रेस की होंगी, 1 सीट हैदराबाद AIMIM की होगी। तो ये खुले अंदाज में जो है ना बीजेपी को एक बूस्टिंग देते हैं और अपने तरफ से गिफ्ट देते हैं। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के सीट पर बैठा हुआ बीजेपी का एक नुमाइंदा है जो कांग्रेस को भी गुमराह कर रहा है। और सेंट्रल में अगर आज राहुल गांधी और सेंट्रल से कांग्रेस नहीं आने की वजह में कहीं ना कहीं आप सर्च कर लीजिए, ये रेवंत रेड्डी हो सकते हैं। रेवंत रेड्डी अगर ये सोच रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के लोग आप पर उंगली नहीं उठाएंगे, आप पर बात नहीं करेंगे, तो आपकी गलत फहमी है। कांग्रेस के जितने भी लीडर्स हैं वो कांग्रेस के लिए काम करते हैं, ना कि रेवंत रेड्डी के लिए। जो रेवंत रेड्डी की चीफ पॉलिटिक्स यहां पर नजर आ रही है, जिन्होंने अपने पास होम मिनिस्ट्री रखते हुए टोटल ऑफिशियल वेबसाइट्स को जो है ना यानी बंद कर रखा हुआ है, ऑफिशियली कहीं पर भी किसी से कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, यहां तक के डिपार्टमेंट पुलिस हो या फिर दीगर कोई और हो, जिसकी वजह से डे बाय डे क्राइम रेट यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रेवंत रेड्डी एक ऐसे छुपे हुए काम कर रहे हैं, जिसे मेरे को एक स्पीच याद आ रही है जिसमें असदुद्दीन अवैसी ने कहा था कि ये रेवंत रेड्डी ने अंदर में आरएसएस की चड्डी पहनी है। ये बिल्कुल सही है। ये बैठे तो चीफ मिनिस्टर कांग्रेस की सीट पर है, पर मैं आपको खुला बता रहा हूं, ही इज वर्किंग फॉर बीजेपी। इनके सपोर्ट से जो है बीजेपी यहां पर 8 जो रेवंत रेड्डी ने गिफ्ट किया है बीजेपी को, वो 8 एमपी सीट है और आने वाले वक्त में शायद ये और एमएलए और एमपी भी गिफ्ट करेंगे। अभी जिस तरीके से वक्फ बोर्ड की कार्रवाई है, वक्फ बोर्ड वहीं का वहीं रुका हुआ है, ना तो वो जायदादों की तफसील ली जा रही है, ना ही जो है ना वक्फ बोर्ड की इतनी लापरवाही कि हाजी वहां पर रोड पर मर चुके हैं और उनको पुरसाने हाल नहीं है। यहां से वक्फ बोर्ड जितना भी पैसा कलेक्ट किया है, ना तो एक काबिल नुमाइंदगी वक्फ बोर्ड में बिठाई गई है और ना ही रेवंत रेड्डी कहीं पर नजर आ रहे हैं कि इसमें इनका इंटरेस्ट हो। जो सीएम ये कहे कि मैं पब्लिक का सीएम हूं, पब्लिक मेरे से डायरेक्ट कनेक्टिविटी कर सकती है, ये बोलकर आप क्या करें, आप सारे ऑफिशियल एक्टिविटीज को जो है पब्लिक से दूर कर डाले। आज पब्लिक को नॉर्मल एक पुलिस स्टेशन हो या फिर एक कोई बड़े ऑफिस में जाने से पहले आपको जो है सोचना पड़ रहा है, क्योंकि कहीं कहीं पर भी ऑफिशियल रेस्पॉन्स आपको नहीं मिल रहा है। जिस तरीके से होम मिनिस्ट्री आपने अपने पास रखा हुआ है, आप सिर्फ ये बता रहे हैं कि आई एम वर्किंग फॉर पब्लिक, बट यू आर नॉट एट ऑल वर्किंग फॉर पब्लिक, यू आर नो वेयर फॉर पब्लिक, पब्लिक डाइंग ऑन अ रोड। आने वाले वक्त में हैदराबाद में जो है इन्होंने बहुत अच्छे से जो है हैदराबाद का नाम एक गाने के जरिए बदल दिया है भाग्यनगर करके। जो काम केसीआर, उनके फर्जन और बीजेपी कई महीनों से, कई सालों से जो है कोशिश कर रहे थे, रेवंत रेड्डी ने एक बेहतरीन गिफ्ट दे दिया बीजेपी और सेंट्रल गवर्नमेंट को, यह बताकर कि गाने के अंदर हैदराबाद का नाम भाग्यनगर रखा गया और इन्होंने मस्जिद को शहीद की। और 6 के 6 गारंटीज जो रेवंत रेड्डी लेकर आए थे, उसमें से सिर्फ एक कामयाब है, वो भी आधी अधूरी कामयाबी। जिस बसों में जो है सेफ्टी का कोई डोर नहीं, उस बसों को जो है फ्री सर्विस दिया गया ताकि आवाम उसके अंदर हुजूम के तौर पर चढ़े और चढ़कर गिरकर रोडों पर मर जाए। इस तरीके की सरकार अगर चल रही है तो ये जो मोहब्बत की दुकान और ये सारे जो जुमलेबाजी है, जिस तरीके से सबका साथ सबका विकास और ये सारे जुमलेबाजों को लेकर अगर गवर्नमेंट बनाने की या फिर सेंट्रल में गवर्नमेंट कायम करने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं, तो ये सब बेकार है, क्योंकि आपके बिठाए हुए नुमाइंदे, आपके बिठाए हुए चीफ मिनिस्टर ये मैसेज कहीं पर भी नहीं दे रहे हैं। और मैं ये मैसेज उन लोगों को देना चाह रहा हूं जो हमेशा चीफ मिनिस्टर, पुराने चीफ मिनिस्टर की पहचान कराते थे और लोगों को बताते थे कि भाई हम मुसलमान हैं, मुसलमान खयादत के जो है खिलाफ है, हम मुसलमानों के लोग जो लीडर्स मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं, आज उनकी खयादत, उनकी आवाजें दबने की वजह उनका पोजीशन है।
भाई आप अगर लीडर हो तो पब्लिक के लिए आवाज उठाओ, ना तो अपनी आवाज और अपने गुलामी के लिए, अपने लीडर्स को खुश करने के लिए आवाज उठाओ। आज ये आवाज ये उठना बहुत जरूरी है। जल्द से जल्द अगर हज कमेटी और हज हाउस के ऊपर इंक्वायरी नहीं बैठेगी और हज हाउस के अंदर जितने वक्फ बोर्ड की जायदादें लॉक करी हुई है उसके ऊपर इंक्वायरी नहीं बैठेगी और अगर हाई कोर्ट में रेवेन्यू ऑफिसर के साथ एक बेंच नहीं बैठेगी जो वक्फ की जायदादों के ऊपर तवस्सु करे, तो बहुत जल्द ये मोहसिन आप सबके सामने हज हाउस के सामने बहुत बड़ा धरना दिया जाएगा। और जिस तरीके से रवैया पुलिस का और ये खून खतल गारत गिरी आज जो हैदराबाद में की जा रही है, जिस तरीके से बताया जा रहा है ड्रग्स को और जो है नशे की हालतों को, नशे के चीजों को बंद करने का दावा किया था, इसमें से कुछ भी नहीं किया है। डे बाय डे इन्होंने जिस तरीके के छह गारंटी देकर लोगों को लालच देकर जो है उसको, अगर आप एक ईमानदार लीडर होते तो राहुल गांधी की तरह आप 1 लाख का मैसेज, उन्होंने इलेक्शन गवर्नमेंट नहीं बनने के बाद एक मैसेज दिया कि हम किसी वजूहत की वजह से गवर्नमेंट नहीं बना सके, आप सबको 1 लाख नहीं दे सकेंगे, तो उसी तरीके से आप तेलंगाना की आवाम के साथ खिलवाड़ मत करिए। ना तो करंट फ्री है, ना तो गैस फ्री है, ना तो आप 6 गारंटियों में से कोई भी एक गारंटी मुकम्मल तरीके से पूरी नहीं कर पाए। अगर आप जल्द से जल्द हज हाउस और हाजियों की मौत और उनका हिसाब अगर नहीं लेंगे, ये प्रेजेंट आपने जिसको जिस किसी को भी नया वहां पर मुनज़िम किया है उनके साथ अगर हिसाब नहीं लेंगे तो बहुत बड़ा धरना जो है हज हाउस के सामने मुनक़िद होगा और इसके जिम्मेदार रेवंत रेड्डी आप होंगे। और आप जिस तरीके से मुसलमान लीडरों को डरा कर, धमका कर या फिर उनको बैकग्राउंड में कर जो है फेंक रहे हो, जो बंदा सिर्फ 2000 वोटों से हारा है उसकी कीमत आप एक कार्यकर्ता की तरह रख दिए हैं, इसका भी हिसाब लिया जाएगा। मुस्लिम खयादतों का हिसाब लिया जाएगा। मुस्लिम लीडर्स जिन्होंने हमेशा मुखालिफत की और कांग्रेस के साथ ठहर कर लड़ा, आज उनको जो है अहदे नहीं मिल रहे हैं, जिनकी मुखालिफत करते थे उनको आप पहले रो में बिठा रहे हैं, ये सारी चीजों का हिसाब देना पड़ेगा। जल्द से जल्द रेवंत रेड्डी, अगर आप इस तरीके से ये कत्ल और गारतगिरी का रुकावट नहीं करेंगे, हैदराबाद में जिस तरीके से ये पुलिस एक्शन ले रही है, एकदम लूज लेकर छोड़ी हुई है, कत्ल और गारतगिरी आम हो रही है, इसके ऊपर अगर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेंगे तो बहुत बड़ा धरना मुनक़िद होगा बहुत जल्दी, जिससे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस सेंट्रल में आने वाली गवर्नमेंट को बहुत बड़ा धक्का पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम।